नेक्स्ट हम फोकस करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई से, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है, अनेक कॉन्सेप्ट दिए हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, याद रखिए है ना, दार्शनिक और वैज्ञानिकों के अनेक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसमें से प्रारंभिक और लोकप्रिय मत किसका है, जर्मन और दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। तो याद रखिए इमैनुअल कांट, अब आपके यहाँ क्वेश्चन अगर पूछ ली जाए कि इमैनुअल कांट किस सिद्धांत से है, अद्वैत द्वैतवादी, फोकस कीजिए, याद कीजिए, नहीं कौन सा इसका सिद्धांत। नेक्स्ट 1756 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया। देखिए सबसे प्रारंभिक और लोकप्रिय मत किसका, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, तो इमैनुअल कांट का पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर प्रारंभिक और लोकप्रिय मत किसका है, इमैनुअल कांट का, लेकिन इसमें संशोधन किसने किया, तो 1796 में 1796 में लाप्लेस के द्वारा संशोधन किया गया और उसके बाद ही लाया गया निहारिका परिकल्पना, नेब्यूलर हाइपोथेसिस, याद देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब इमैनुअल की बातों को, मतों पर संशोधन लाप्लेस ने किया, कौन सिद्धांत लाकर, तो निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ। देखिए अब यहाँ पर निहारिका परिकल्पना सिद्धांत में क्या कहा गया, तो ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ। अब कभी आपको क्वेश्चन रहे निहारिका परिकल्पना को परिभाषित करें, पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में विवेचना करें, तो आप दे सकते जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑप्शन वाले रहेंगे, तो आप दे सकते हो जवाब, ठीक है। अब गड़बर कहा करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन पर भी फोकस कीजिए, अगर गड़बर कर तो यहां दे देगा, क्या दे देगा भाई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रारंभिक और लोकप्रिय मत, ठीक है, लाप्लेस के द्वारा दिया गया। देखिए अब लाप्लेस के द्वारा दिया गया कि इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया, इमैनुअल कांट के द्वारा, लेकिन इमैनुअल के जगह पर एडिटिंग कर दिया लाप्लेस, सोचे गलत है। अब लाप्लेस ने दिया निहारिका सिद्धांत, अब लाप्लेस के जगह पर दे दे इमैनुअल कांट। देखिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि निहारिका परिकल्पना में ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे, सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे, ठीक है। और